लेकिन तभी टेलीपोर्टर से लॉकजॉ पीछे से हमला करता है मशीन मैन पर। मशीन मैन अपना हाथ उसके गले के इर्द गिर्द लपेट लेता है और कहता है, टेलीपोर्टर तो तुम मुझे मदद करोगे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ढूंढने में, और अगर तुमने एक अच्छे पपी की तरह बिहेव किया तो तुम्हें ट्रीट भी मिलेगी, मैं वादा करता हूँ। और अपने कोट का एक टुकड़ा फाड़ कर उसके नाक के आगे पकड़ कर कहता है, तो अब इस डायमेंशन को महसूस करो, और कहता है फेच। तब दूसरी तरफ मार्वल यूनिवर्स में लोग बाहर से कह रहे थे कि वो आ चुके हैं, और वास्प जोकास्टा से कह रही थी वो नहीं जानते कि वो किससे बात कर रहे हैं, है ना। तब गुस्से में जोकास्टा वास्प को मारते हुए कहती है, इनफ, मैं अपने आंखों के सामने किसी को मरता नहीं देख सकती। और वो दरवाजा खोलकर उन दोनों को अंदर लेते हुए कहती है, मेरे पीछे आओ और टेलीपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करो, और खुद उन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। अभी तो हॉलो में कहीं पर टेलीपोर्ट होकर मशीन मैन ज़ॉम्बी से कहता है, बधाई हो सड़े मांस वालों, मैं प्रोग्राम किया गया हूँ आते बाहर निकालने और तुम्हारे ऑर्गेनिक बिट्स के टुकड़े कर गम चबाने के लिए, और उन्हें मारते हुए कहता है, लेकिन मुझे गम पसंद नहीं है। मशीन मैन एक ज़ॉम्बी को मारकर उसका स्कल काट के उसका दिमाग बाहर निकालते हुए कहता है, लॉक जाओ, देखो ये तुम्हारा फेवरेट है ना, और उसमें बॉम्ब फिट करके वो दूर फेंकते हुए कहता है, जाओ ले लो। तब लॉक जाओ उसे खाने जाता है और वहीं पर उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। मशीन मैन आगे कहता है, बहादुरी इंसानों की दोस्त हो सकती है लेकिन रोबोट्स की नहीं, समझे। रोबोट्स की बेस्ट फ्रेंड है सिंथेटिक ईस्टर बेस्ट इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। तभी पीछे से ज़ॉम्बी मॉर्बियस मशीन मैन को किक करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, ये हंगर गोस्पेल अब चुप नहीं बैठेगा, एक ऑटोमेशन के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं, तुम इस फ्लैश की ग्लोरी नहीं समझ रहे, और ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक मैं इसे सर्व कर रहा हूँ। और वो आगे कहता है, मैं वैम्पायर हूँ, मैं ज़ॉम्बी हूँ, और मैं वैम्बी भी हूँ, और कोई मुझे नहीं रोक सकता। डॉक्टर मिचेल मॉर्बियस एक पेड़ की डाली ज़ॉम्बी मॉर्बियस के आर पार कर देता है, जिस पर ज़ॉम्बी मॉर्बियस कहता है, तुम पागल हो, हम लिविंग वैम्पायर्स है, और तुम्हारी ये मॉन्स्टर मूवी वाली हीरोगिरी यहाँ पर नहीं चलने वाली, ये मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं करने वाली। लेकिन होता इसके उल्टा है, वो सच में मर जाता है। तब एरन कहता है, ड्यूड तुमने अपने ही ज़ॉम्बी वर्जन को ढेर कर दिया, अब तुम्हें बाकी की ज़िंदगी थेरेपी में गुजारनी पड़ेगी। तब मिचेल मॉर्बियस कहता है, कौन हो तुम? उस पे मशीन मैन कहता है, मैं एरन हूँ। तभी डॉक्टर मिचेल मॉर्बियस को एक शिला कर लगती है, और तब हम देखते हैं कैप्टन मैक्सिका को, जो ना समझने वाली भाषा में कुछ कह रहा था। उस पर मशीन मैन कहता है, नहीं, तुम जानते हो क्या, मेरा नाम मशीन मैन है और मैंने पूरी दुनिया को बचाया है। तब मिचेल मॉर्बियस कहते हैं, हाँ यही तुम्हारे लिए अच्छा है। पीटर स्काय आकर कहता है, ठीक है, इनिशियल एरिया स्कैन दिखा रहे हैं कि हमने उन्हें रोक लिया है। डॉक्टर अब ब्लड सैंपल लीजिए जोकास्टा से और चलिए इलाज ढूंढने। तभी जोकास्टा एरन को पुकारते हुए कहती है, तुम जिंदा हो? तब एरन कहता है, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ मरने के लिए। तब आगे वो पूछती है कि तुमने इनकोर के लिए क्या प्लान बनाया है। तब मशीन मैन कहता है, मैं ऐसे जगह ढूंढ रहा हूँ जो सिक्योरेड हो। तब जोकास्टा कहती है, लेकिन डिनर का क्या? तब मशीन मैन कहता है, क्या, लेकिन तुम तो खाना नहीं खाती। उस पे कस्टा कहती है, हाँ मैं मजाक कर रही थी। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी यूनिवर्स में ये सब देखकर ब्लैक बोल्ट कहता है, चेकाल की क्लोनिंग टेक्नोलॉजी चली गई है और अब इस दुनिया में कोई फ्लैश नहीं बचा है खाने को, उन रोबोट्स ने हमें लगभग मुट्ठी पर छोड़कर सबको तबाह कर दिया है। तब स्टीफन स्ट्रेस कुछ कहने की कोशिश करता है, जिस पर ब्लैक बोल्ट कहता है, क्या स्टीफन, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास एक स्पेल है जो हमारी मदद कर सके? और वो उस स्पेल से हेवन से माना गिराने लगता है। तब वो माना खाकर ब्लैक बोल्ट कहता है, ये फ्लैश तो नहीं है, ये माना है, और पीछे मुड़कर कहता है, विल्सन तुम्हें लगता है? और तब हम देखते हैं ज़ॉम्बी किंग पिन अपनी वाइफ को खाते हुए कह रहा था, क्या, मैं जब भी अपसेट होता हूँ मैं खाता हूँ। लिटल स्काय कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। तब मशीन मैन कहता है, अच्छा, मुझे लगा इस पॉइंट पर आकर ये सब खत्म हो चुका होगा। उस पर लिटल स्काय कहता है, हाँ तुम दोनों के लिए ये हो चुका है, लेकिन मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले हैं तुम्हें शील्ड वापस ले जाने के, कुछ बड़ा होने वाला है लेकिन आर्मर ये सब संभाल लेगा। टेलीपोर्टर लॉक के हिसाब से किसी ने अनऑथराइज यूज किया है ट्रांसपोर्टर का रैंडम कोऑर्डिनेट्स पर टेलीपोर्ट करने के लिए। तब मिचेल मॉर्बियस कहता है, डायरेक्टर मैं एक टीम असेंबल करके उसे लीड करना चाहूँगा। तब डायरेक्टर लिटल स्काय कहते हैं, डॉक्टर जो भी आपके साथ हुआ उसके बाद आप कंडीशन में नहीं है। तब डॉक्टर मिचेल मॉर्बियस गुस्से में कहते हैं, उसने मुझे हफ्तों तक कैद में रखा था, वो एक ट्विस्टेड रिफ्लेक्शन था मेरा, और जो भी मेरे साथ हुआ उसके बाद अगर उसमें से कोई चीज़ जिंदा भी है
तो मैं उसे मारने के लिए अपना माइंड सेट कर चुका हूँ। तब टेटस्का कहता है, ठीक है मिचेल, तुम जीत गए। मुझे तुम्हारे रिकमेंडेड लोगों की लिस्ट चाहिए 1 घंटे के अंदर। तुमने कुछ सोचा है इसके बारे में? मिचेल मॉर्बेस कहता है, हाँ मैंने पहले ही कुछ लोगों पर मोहर लगा रखी है। वो एक को पकड़ने एक आएंगे, बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन मिडनाइट सन्स वापस आएंगे।